स्टार्ट। महोदय, पहले उद्योगपतियों को स्त्री श्रमिकों के नियोजन में लाभ होता था, किंतु अनेकानेक श्रम नीतियों, सुरक्षात्मक विधानों और अतिरिक्त सुविधाओं के नियमों के फलस्वरूप अब स्थिति परिवर्तित हो रही है। आज स्त्री श्रमिकों को बड़े और पुराने उद्योग में वांछनीय नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता है कि स्त्री श्रम से पर्याप्त लाभ नहीं मिल सका। स्त्री श्रम के विषय में लागू सुरक्षात्मक कानूनों के कारण उद्योगपति स्त्रियों के रोजगार में कतराया करते हैं। स्त्री श्रमिकों को निरुत्साहित करने के पक्ष में उनसे काम नहीं लिया जा सकता। जिन उद्योगों में पहले स्त्री श्रमिक का नियोजन हुआ था, वहाँ भी उनकी छटनी होने लगी तथा यह कहा जाने लगा कि उन्नत मशीनों के कारण अब स्त्री श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रह गई। अनेक उद्योगों में अब योजनाबद्ध रूप से स्त्री श्रमिकों की छटनी हो रही है, तथापि लघु उद्योगों, कुटीरों एवं गृह उद्योगों में स्त्री श्रमिकों के नियोजन की संभावनाएं बलवती होती जा रही हैं। बड़े उद्योगों से स्त्री श्रमिकों की छटनी का आधार स्त्री श्रमिकों के लिए लागू सुरक्षा कानून बताए जाते हैं। इसका परिणाम स्त्री श्रमिकों की बढ़ती हुई बेरोजगारी सामने आती है। पंचवर्षीय योजनाओं में हथकरघा, ग्रामोद्योग, खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों की व्यापक पैमाने में स्थापना हुई है, जिनमें स्त्री श्रमिकों को रोजगार दिया गया है। वर्तमान की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 941 थी। जनसंख्या के इस बड़े भाग को कार्य प्रदान करना आर्थिक विकास की एक अनिवार्यता है। यदि स्त्री श्रमिकों के रोजगार को अलाभकर मानकर छोड़ दिया जाए तो इससे जनशक्ति का ह्रास और अनुपयोग होगा। स्त्री श्रमिकों का राष्ट्रीय उत्पादन में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनके समुचित उपयोग के लिए रोजगार सुविधाओं का विस्तार करना अत्यावश्यक है। यहाँ स्त्री श्रमिकों से संबंधित अन्य समस्याओं की ओर उंगली निर्देश करना भी उचित न होगा। प्रायः स्त्री श्रमिक भारतीय समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हैं तथा वे अशिक्षा और पूरी तरह गरीबी में डूबी हुई हैं। उनके जीवन स्तर को बहुत कठिनाई से ही मानवीय कहा जा सकता है। प्रायः स्त्री श्रमिकों का जीवन अधर्म, मानवीयता दशाओं से व्याप्त है, और जब तक इनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का समग्रतः विकास संभव नहीं हो सकेगा। यद्यपि स्त्री को पुरुष श्रमिकों से हीन समझा जाता है, किंतु व्यवहारतः स्त्री पुरुषों और स्त्री श्रमिकों से हीन नहीं समझना चाहिए। ऐसी दशा में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य ग्रामों उद्योग में कार्यरत स्त्री श्रमिकों के उन्नयन के प्रयास आवश्यक हैं। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत स्त्री श्रमिकों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने से उनकी उत्पादन क्षमता में अनिवार्य रूप से वृद्धि हो सकती है।
आज के औद्योगिकरण के युग में स्त्री श्रमिकों को मात्र सीमांत श्रमिक मानने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय श्रम के पूर्ण विनियोजन की दृष्टि से स्त्री श्रमिकों के संबंध में पुनर्विचार आवश्यक है। महोदय, अंधविश्वास से मुक्त होकर धर्म का स्वरूप काव्यमय हो जाता है। हम यह भली भांति जानते हैं कि अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ मनुष्य सामाजिक जीवन के प्रारंभिक काल से बंधा हुआ है। यह मानना पड़ेगा कि धर्म में अवश्य ही कुछ ऐसी बात है कि हजारों वर्षों से मनुष्य उसके प्रभाव में रहता चला आया है। धर्म कई बार आस्थामय जीवन और धार्मिक क्रियाओं से सौंदर्य का बोध होता है। धर्म स्वयं सौंदर्य का एक रूप है, क्योंकि पवित्रता, उपासना और ध्यान साधना के द्वारा सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। यह बात हिंदू धर्म के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैदिक धार्मिक परंपरा में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की उपासना का विधान रहा है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि तत्व सभी सौंदर्य के प्रतीक हैं। असंख्य देवी देवताओं की कल्पना से भी विचित्र प्रकार का सौंदर्य बोध होता है। धार्मिक रीति रिवाज, उत्सव व त्यौहार हिंदुओं की धार्मिक चेतना के साथ उनके सौंदर्य प्रेम के परिचायक हैं। यह तर्क से अधिक अनुभव की बात है कि मनुष्य सभ्यता की प्रक्रिया में कितना भी आगे निकल जाए, वह धर्म के बिना नहीं जी सकता। इसका कारण यह है कि मनुष्य के धार्मिक विश्वास के पीछे एक सत्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह प्रयत्नशील रहा है। वह सत्य रहस्यमय है। धार्मिक विश्वास का यही मूल कारण रहा है। सत्य को न प्राप्त करके भी मनुष्य यह अनुभव करता है कि जो उसे धर्म ने दिया है वह अन्य किसी प्रकार संभव नहीं है। सत्य को प्राप्त न करके भी उसमें उस विश्वास निरंतर बना हुआ है कि धर्म और धार्मिकता का जीवन ही उसे परम सत्य को पाने में सक्षम बना सकता है। केवल यही बात धार्मिक हो रहने के लिए कम शक्तिशाली कारण नहीं है। इस धार्मिक विश्वास की अभिव्यक्ति भी कई प्रकार से होती है। जो व्यक्ति मंदिर में जाकर पूजा करता है अथवा पवित्र पुस्तक का पाठ करता है या सुनता है, वह भी धार्मिक कहलाता है। तथा वह व्यक्ति जो प्रकृति को ईश्वर का पर्याय मानकर उसके सौंदर्य की उपासना करता है, वह भी अपने धार्मिक को कह सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य में सत्य को प्राप्त करने वाला मनुष्य अप्राकृतिक शक्ति में विश्वास ही नहीं करता। इसलिए प्राकृति जगत से भिन्न किसी दैवीय शक्ति की कल्पना उसके लिए संभव नहीं है। हिंदू धर्म और अवतारवाद के संदर्भ में ऐसा व्यक्ति राम और कृष्ण को सौंदर्य और जीवन की पूर्णता के प्रतीक के रूप में आराध्य मान सकता है, परंतु उनको ईश्वर तथा उपास्य रूप में उसका कवि हृदय कभी स्वीकार नहीं करता। इन सब बातों के होते हुए भी हम इस प्रकार के मनुष्य को संभवतः नास्तिक नहीं कह सकते, क्योंकि धार्मिकता का यह कोई कमजोर प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हमें यह स्वीकार करना होता है, हमें लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। खेती और
उद्योगों में अधिक उत्पादन की वह नींव है जिस पर प्रतिरक्षा टिकती है, जवानों के साहस और लड़ने की क्षमता को किसान, कामगार, कारीगर और व्यापारी वर्ग की निष्ठा का सहारा मिलना चाहिए। स्टॉप।